वेलकम बैक टू कॉफिन गेमिंग। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं उन ऐप्स के साथ जो कि इंडिया में बैन हो चुके हैं। और गाइस, आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तो आप ऑन स्क्रीन इन सारे ऐप्स को देख सकते हैं। और जो इसमें से बहुत सारे पॉपुलर गेम है वो भी डिलीट मतलब होने वाले, बैन होने वाले आप कह सकते हो। और पबजी और फ्री फायर इनमें से नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छे लगा हमको। और काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स जो बड़े बड़े गेमर्स हैं उनको भी काफ़ी बढ़िया लगा। तो आपका क्या मानना है कि पबजी बैन होगा कि नहीं? वैसे तो नहीं होगा क्योंकि ये कोरियन है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में जो कि है क्रैट से रिलेटेड। तो ऑफिशियल क्रैट ने अभी एक स्क्रीनशॉट शो किया है, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। उसमें तो एक जो फेक इंस्टाग्राम मैनेजर बनकर उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप पे कोई भी ऐसा कमेंट वगैरह आता है तो आप उसको बिल्कुल भी टैग मत कीजिए, रिप्लाई मत दीजिए, वरना आप फंस सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यू मुंबा के बारे में। तो यू मुंबा ने रिवेंज टीम को स्पॉन्सर किया था, तो मतलब कि उनके रिगार्डिंग काफ़ी सारी न्यूज़ हमें सामने देखने को आई है, जैसे कि मतलब उनकी जर्नी, उनकी इनकम वगैरह हमें देखने को मिली है। तो ये सब काफ़ी। अब बात कर लेते हैं नोवा किंग के बारे में। तो नोवा किंग मतलब कि अपने रिसेंट मैचेस खेल रहे थे, तो उसी में उन्होंने कुछ बताया कि स्नैक्स की डीपी बहुत ज़्यादा गॉड है। तो फिर एक बंदा उन पर सुपर चैट करता है और कहता है कि नई मॉडल की डीपी भी बहुत अच्छी है। तो नोवा किंग उस पर रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, स्नैक्स की डीपी गॉड है, बेशक नो मॉडल की डीपी ओपी है, पर वो स्नैक्स की डीपी के सामने कुछ नहीं है। आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं ना। सबसे पूरे इसमें सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी स्नैक्स की डीपी। अगर तुम एग्री करते हो स्नैक्स की डीपी से कि स्नैक्स इज डीपी गॉड, तो भाई चैट में स्नैक्स ओपी स्पैम कर दो भाई। मॉडल भी डीपी बढ़िया चलाता है, पीएच ओपी भाई शिवम मेरे भाई। हां मेरे को पता है मॉडल बहुत बड़ी डीपी चलाता है, लेकिन डीपी गॉड भाई मैं स्नैक्स को बोलूंगा भाई। अब बात करते हैं 8-bit ठग के बारे में। तो ठग ने बहुत ही स्वीट बात कही अपनी ऑन स्ट्रीम में। तो उन्होंने बोला है कि देश में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है जो कि हमारे छोटे मोटे झगड़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो उन्होंने बताया है कि इस साल 2020 को काफ़ी स्पेशल भी कर देंगे, तो आप जरूर से एक्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं ब्लर एक्स को ऑफिशियल क्लैन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक न्यूज़ सामने निकल के आई है और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो बिल्कुल सही था मैं, और जैसे रूमर्स थे वो भी बिल्कुल सही थे। तो उनकी एक क्लैन जो थी वो अब पहले से बढ़ चुकी है, और वो अब पेपर वर्क भी करेंगे एंड बंदों से जो भी साइन करवाने वाले होंगे साइन भी करेंगे। और अब उनकी क्लैन बढ़ चुकी है एंड बूट कैंप भी वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जोनाथन और जेल में अक्षय के बारे में। तो जोनाथन ने इंडिविजुअली 16 किल्स किए थे और जेल में अक्षय ने मतलब कि 1v3 क्लच किया था। तो उन्हीं दोनों का गेम प्ले मतलब कि बंदों ने टैग किया था स्टोरी में। तो उन्होंने बताया था कि कॉम्पिटेटिव में जोनाथन 16 किल्स कर लेता है और हम जाओ क्लासिक में करते हैं। और इसी बात पर मतलब कि जेल में अक्षय को भी सपोर्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रूमर्स निकले हैं कि मतलब कि उनको ट्विटर से बैन कर दिया गया है, पर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनका जो कंटेंट था वो काफ़ी हेटफुल था। आप बताना ऐसा था कि नहीं, और ऑन स्क्रीन आप देख भी सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कल कैरी मिनाटी नेटफ्लिक्स पर एक मतलब कि वेब सीरीज देख रहे थे जिसका नाम था डार्क। तो उनको ये वेब सीरीज ना कि सिर्फ उनको बल्कि हमको भी समझ नहीं आई। तो और मैंने भी चेक करा था पर मेरे को भी कुछ समझ नहीं आई। तो आप बताना कमेंट में कि आपको समझ आई कि नहीं वेब सीरीज डार्क जिसका नाम है, तो कमेंट में जरूर से बताना। बात कर लेते हैं ओ भाई क्या कसम कुत्ता भाई, नीचे कूद 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 नीचे कूद। ओए पापी लौंडा यार, बेशरम आदमी। अब बात कर लेते हैं टीम एंटिटी के बारे में। तो कल जोनाथन अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कि घातक उनको पीछे से मतलब कि गाइड कर रहे होते हैं। तो मतलब कि कुछ बंदों का इस पर रिप्लाई आता है कि घातक ऐसे मतलब कि किसी को गाइड कैसे कर सकते हैं। तो घातक उसके रिप्लाई में बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा करने से कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और इसी के थ्रू एंटिटी कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा PMIS की किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ बंदे कहते हैं कि नहीं ऐसा, और इससे मामला बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। और घातक इसी के अकॉर्डिंग एक मतलब कि स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं जिसमें कि कोई एक लीडर मतलब कि कोच उनका पीछे से बता रहा होता है, और ऐसा मतलब कि घातक फिर कहते हैं कि ऐसा लैंड की किसी मतलब कि किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा गया है, क्या कोई कोच मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो और फिर वो कहते हैं कि पबजी को अगर इससे कोई भी दिक्कत होगी तो वो खुद से हमें कुछ रिप्लाई कर देगा, और इसी के अकॉर्डिंग एंटिटी भी यही कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं गॉडल और ओआर वाले मैटर के बारे में। तो क्रॉन्टन का ये मतलब सोचना है कि मतलब कि ओआर उनको फीस्ट कर रही है बार बार पे, और क्रॉन्टन का ये सोचना है कि मतलब कि जब वो वर्ल्ड लीग के लिए मतलब कि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ओआर उनको मतलब कि बार बार पे फीस्ट कर रही है। तो वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ कह भी दिया है, पर अब जो बोलेंगे हम वो मैच में कहेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग स्काउट भी कहते हैं कि भाई वो मतलब कि क्रॉन्टन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बाकी सब टाइम तो वो भाई भाई की तरह रहते हैं, पर अब देखते हैं क्या होने वाला है उन दोनों के बीच में। तो स्काउट इसके अकॉर्डिंग वे भी कहते हैं कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, और क्रॉन्टन कहते हैं मैच में होगा जो देखा जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को ऐसे ही कमाल की न्यूज़ एंड गेमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड बाय गाइस।